स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन का C200 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम बात किस चीज़ का कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन से मैं मूवी कैमरास के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यह भी कैनन का एक मूवी कैमरा है जो 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये भी समझिए वो फिल्म वाला सेंसर है, यानी कि सुपर 35mm, फुल फ्रेम नहीं है, मतलब APS-C के ही मतलब सरफेस एरिया APS-C साइज़ का है, बस थोड़ा सा वाइड होता है। तो ये प्रॉपरली एक सिनेमा के लिए बनाया गया है और ये 4K इंटरनल रिकॉर्डिंग देता है। मतलब आपको जैसे पैनासोनिक का जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपको एक्सटर्नल तिगड़म करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए, इसमें वो दिक्कत नहीं है, ये इंटरनली करता है। और इसमें कार्ड स्लॉट के हिसाब से 2 SD है जो आपका प्राइमरी के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 C-Fast है जिसमें आप रॉ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, मतलब इसको अगर अच्छे से समझना, बस समझिए कोई DSLR लिया और बड़ा कर दिया। तो ये मतलब सिनेमा कैमरा को छोटा नहीं किया गया, DSLR को बड़ा किया गया है। तो ये कैनन ने उतारा है 2017 में, मतलब ऑलमोस्ट 2017 के एंड में उतारा था। तो फिर सवाल बनता है कि कैनन 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 हर जगह जहाँ जाओ वहाँ सब लोग कैनन करता है, तो ये किसके लिए है? इसी के चलते कैनन का नाम इतना अच्छा है। तो आप ये समझिए कि अगर आप सिनेमा कैमरा छूना चाहते हैं कि भैया मैं लर्न कर लेता हूँ सिनेमा कैमरा, बाद में आगे का काम करूँगा, तो आपको कोई सिनेमा कैमरा छूने भी नहीं देता ऑटो फोकस, मतलब सवाल ही नहीं है। पैनासोनिक वाले में है लेकिन वो भी बहुत रूडिमेंट्री है। ये इकलौता है जिसको आप खरीद सकते हैं, आप पिक्चर बना सकते हैं और आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं कि भैया इसका ऑटो फोकस अच्छा है। तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस बहुत अच्छा चीज़ है, उसमें तो डिस्कशन नहीं है। दूसरा, क्योंकि कैनन खुद का लेंस बनाता है, तो कैनन का लेंस लगा के, और कैनन दो तरह का लेंस बनाता है, PL माउंट लेंस जो कि सिनेमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और EF माउंट जो फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल है। आप इसमें चाहे तो माउंट बदलवा सकते हैं, आपको मान लीजिए सिनेमा ग्लास इस्तेमाल करना है जिसमें ऑटो फोकस नहीं होता है, ठीक है, आप आराम से वो माउंट वाला खरीद लीजिए। या आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को रन एंड गन शूटिंग करनी है, तो आप ये खरीद सकते हैं कैनन वाला, जो नॉर्मली आपको कैनन वाला ही मिलेगा EF लेंस माउंट के साथ, और ये काफ़ी सस्ता है, मतलब 4K रॉ रिकॉर्डिंग के हिसाब से ये सस्ता है। मतलब वो खैर अब कहना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ब्लैक मैजिक पॉकेट कैमरा आ गया है, उसको हटाने के बाद अगर देखें तो कुछ ही कैमरा कर पाते हैं और ये आता है। और इसका दाम, पैनासोनिक का दाम और वो ब्लैक मैजिक अरसा मिनी G2 के बारे में बात करें तो ये सब लगभग सब $10,000 सिनेमा कैमरा है। ये काफ़ी छोटा और काफ़ी सस्ता है, तो काफ़ी सस्ता है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता है, समझ के चलिए ये आपको अभी भी मतलब 4-5 लाख लग ही जाएगा। तो ये मतलब सस्ता है कंपेयर टू सिनेमा कैमरा। और इसमें बिल्ट इन ND फिल्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रन एंड गन शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार खास करके आउटडोर इन्वायरमेंट में आप लाइटिंग नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये बात काफ़ी लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार मैं लाइटिंग हर जगह डालना चाहता हूँ और ये ND फिल्टर हर जगह। आप समझिए पिक्चर जब दिन में शूट किया जाएगा तो जनरली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए लेंस को पूरा खोल देते हैं, तो दिन में वो सेंसर को ओवरराइड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये आ जाता है, ओवर एक्सपोज हो जाता है। इस कारण से ND फिल्टर ज़रूरी है कि दिन में अगर आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देना चाहते हैं तो फोटो में उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शटर स्पीड उतना नहीं चेंज करते, ऑकवर्ड लगने लगेगा, मोशन थोड़ा जर्की लगने लगेगा, इसी कारण से ND से ही करना पड़ता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये पूरा कैमरा, मतलब अगर आपको YouTube वीडियो बनाना है या आपको कोई गाने की रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब आपको कुछ एकदम कैमरा निकाले, काम किए, काम खत्म, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। और इसका एक फीचर जो कि काफ़ी सारे जो मतलब म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं या कमर्शियल्स बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपका छोटा स्टूडियो और आप काम करना चाहते हैं, ये एक बहुत यूनिक फीचर रखता है। वो यूनिक फीचर ये है कि ये इसको मतलब रॉ रिकॉर्डिंग 12 बिट का है, 12 बिट का रॉ रिकॉर्डिंग होता है, तो रॉ रिकॉर्डिंग बहुत हैवी है, फाइल वाइज बहुत हैवी आता है, तो उसे SD कार्ड में नहीं ये लोग देखते। उसके लिए अगर आपको रॉ रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको ये C-Fast इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप C-Fast इस्तेमाल के, लेकिन आप एक प्रॉक्सी फाइल बना सकते हैं उसी टाइम SD कार्ड पे। ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आपका छोटा स्टूडियो है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, कैम आपने शूटिंग किया आए, तो आपके पास दो लोग होंगे, एक होगा कलरिस्ट, एक होगा वीडियो एडिटर। तो वीडियो एडिटर को आप प्रॉक्सी फाइल दे दोगे, भैया तुम इसको एडिट करो, मतलब एक एटलीस्ट रफ टाइम में, और जो इसका C-Fast कार्ड है उसमें निकाल के आप रॉ फाइल जो आ रहा है वो आप दे दोगे DaVinci Resolve वाले को कि भैया तुम इसमें कलर करेक्शन करो। तो समझिए आपका दो काम पैरेलली हो रहा है, आपका वीडियो भी एडिट हो जा रहा है और आपका कलर भी हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग फाइल बन रहा है दो अलग अलग मीडिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को जिनको मतलब एकदम एक एक मिनट का कीमत पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू शूट किए, तो आपको हर क्लाइंट बहुत समझने वाला नहीं हो, बहुत क्लाइंट बोलेगा मैंने आज रिकॉर्डिंग कर दिया मेरे को रात तक दे दो, या कुछ क्लाइंट जो मतलब बुढ़वक नहीं होंगे तो बोलेंगे भाई कम से कम एक हफ्ते के अंदर दे दो। तो टाइम लगता है, वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, कलर करेक्शन में टाइम लगता है, तो जो कि दोनों एक साथ स्टार्ट हो सकता है, रिकॉर्डिंग हुआ, कार्ड निकाले, फटाक से मिल गया, तो काफ़ी टाइम बच जाता है। तो ये सब समझिए, ये
पाइपलाइन बेनिफिट है। और इस C200 का एक वर्जन आता है जिसमें व्यू फाइंडर नहीं रहता है और बहुत सारी चीज़ हटा दिया जाता है, ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये, मतलब इसका नुकसान ये होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं मिलेगा। फ़ायदा ये हो जाता है कि गिम्बल में लगाना, मान लीजिए आप कैमरा के लिए गिम्बल लाए हैं उसमें लगाना आसान हो जाएगा, ड्रोन में लगा के उड़ाना चाहते हैं ये बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इसी का समझिए भाई C500 पिक्चर नीड फॉर स्पीड में इस्तेमाल किया गया था। तो समझ लीजिए काफ़ी बड़ा रेंज को कवर करता है, यूट्यूबर से लेके एक इंडी फिल्म मेकर से लेके डॉक्यूमेंट्री शूटर को लेके ये बहुत बड़ा रेंज कवर करता है। मतलब ये इसी के चलते, मतलब बाकी और कोई कैमरा का बात नहीं सुना मैंने, पैनासोनिक के बारे में बताया, पैनासोनिक नहीं टिक पाता है इसके सामने, क्योंकि पैनासोनिक कहने को सिनेमा 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 हर जगह कह रहा है लेकिन रॉ रिकॉर्डिंग नहीं था, ये रॉ रिकॉर्डिंग दे दिए। और ब्लैक मैजिक बहुत अच्छा कैमरा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन भरपुष्ट भारी कैमरा है। और मान लीजिए आपको वजन से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेन बात है उसमें ऑटो फोकस नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिनेमा कैमरा है, सिनेमा और ब्रॉडकास्ट वो अच्छे से कर लेगा, रन एंड गन नहीं कर पाएगा। ये रन एंड गन बहुत अच्छा कर लेगा, मतलब आपको कुछ ऐसा खरीदना है, मेरे को खरीदना है, पिक्चर बनाना है, काम खत्म, सस्ते में सब चीज़ निपटाना, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर इतना अच्छा बात है तो क्या उसमें कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, साइड इफेक्ट तो है ऑब्वियसली। सबसे पहला, इसमें नेटफ्लिक्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था स्टार्टिंग में, बहुत तिगड़ा मुगल लगा के नेटफ्लिक्स बहुत सारा रूल रख देगा आपके पास कि अगर मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स के लिए कोई शो बनाना चाहते हैं या अमेजोन के लिए भी, वो लोग का एक कैमरा लिस्ट है कि ये सब कैमरा बनाओगे हम तुमको बैज दे देंगे। बैज जैसे होता है 4K का बैज, फिर होता है ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड का बैज, बहुत सारे बैजेस लगाए जाते हैं। तो इसलिए आप सुनते होंगे कि आपका मोबाइल फोन 8 बिट का रिकॉर्डिंग करता है, टीवी में दिखाने वाला 10 बिट तक जाना पड़ता है, और सिनेमा के लिए 12-14 बिट तक जाना पड़ सकता है। तो ये सब बैज होता है। तो आप समझ लीजिए ये नेटफ्लिक्स में शुरू में अलाउड ही नहीं था, बाद में तिगड़म करके गया। तो उसमें एक फजीहत था कि इसमें टाइम कोड इन नहीं है। टाइम कोड इन जो है, जो इस तरह का मतलब सिनेमा में देखते हैं जो खूब सारा नंबर दिखता रहता है, वो टाइम कोड है, बिना उसके बड़े पिक्चर्स तो बन ही नहीं पाएंगे। तो समझिए टाइम कोड का ना होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप खास करके आपका साउंड रिकॉर्डिंग कोई अलग कर रहा है और आपका ये कर, ऐसा नहीं कि ये टाइम कोड आपको निकालने नहीं देगा, ये आपको बस इनपुट नहीं करने देगा। तो आपका मान लीजिए ऑडियो रिकॉर्डर प्राइमरी नहीं करने देगा, 2-3 कैमरा को सिंक करना है, बहुत फजीहत हो जाएगा। मतलब आप तिगड़म कर सकते हैं, जैसे कुछ काफ़ी सारे ऑडियो मतलब आजकल हेडफोन का इस्तेमाल करके टाइम कोड इनबेड कर देते हैं ऑडियो ट्रैक में, लेकिन सिनेमा कैमरा के लिए ऑडियो ट्रैक का अलग से डेटा पाथ रहता है जो वीडियो फाइल के नीचे रहता है, आपको दिखेगा नहीं। तो ये ना हो पाना काफ़ी मतलब खलता है कि मतलब अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैं जहाँ खूब सारा कैमरा है या खूब सारा ऑडियो इक्विपमेंट है, टाइम कोड ना होने से आप परेशान हो जाइएगा। तो ये एक बड़ा मतलब समस्या वाला है। हाँ, आप तिगड़म निकाल सकते हो कि हेडफोन का पोर्ट इस्तेमाल करके आप उसमें टाइम कोड डाल सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मतलब इसीलिए उसको नेटफ्लिक्स ने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर कोडेक्स ऑप्शन में यहाँ सब लोग परेशान है कि मतलब कैनन ऑप्शन आपको ऐसे दिया कि मेरा आप पिछला पैनासोनिक वाला वीडियो देखें तो मतलब पैनासोनिक आपको खूब ऑप्शन देता है, 422 420 10 बिट 8 बिट आपको ऑल आई ऑल GPO, ये एकदम उल्टा है, ये आपको देगा एकदम लो और एकदम हाई, मतलब रॉ रिकॉर्डिंग बीच 8 बिट का रिकॉर्डिंग। 10 बिट ना होने के चलते काफ़ी लोग इससे परेशान, मतलब कि ठीक है 8 बिट ख़राब नहीं है, आप ये मत समझिए खराब है, 8 बिट आपका मोबाइल फ़ोन वर्सेस 8 बिट इसका जमीन आसमान का अंतर, ये बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन चूँकि वो 8 बिट पर लिमिटेड है, काफ़ी लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और मतलब अगर आपको टीवी कमर्शियल तुरंत शूट करना और रॉ में नहीं जाना चाहते तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, सीधे हटा दिया जाएगा, आपको रॉ लेके रॉ का पाइपलाइन करना पड़ेगा। तो वो कोडेक्स ऑप्शन जो लिमिटेड है वो उसके चलते काफ़ी मतलब ये यूज़ करना हार्ड हो जाता है कि मतलब 8 बिट में आप रहना चाहते हो, जैसे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो बल्ले बल्ले एकदम सोचना ही है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊं, तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि बात बात पे मेरे को रॉ करना पड़ रहा है, और रॉ बहुत ज़्यादा जगह खाता है। फिर मतलब यूजबिलिटी में क्या, आप ठीक है मैं इसको कैमकॉर्डर की तरह इस्तेमाल करें, यूजबिलिटी में एक चीज़ इसका थोड़ा सा ऑड है कि इसका जो स्क्रीन है, जो टच स्क्रीन दिया गया है, और टच स्क्रीन ज़रूरी है क्योंकि ये टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके टैप टू फोकस करता है, तो ऐसा नहीं कि आप व्यू फाइंडर से कर सकते हैं, आपको टच स्क्रीन चाहिए, तो वो टच स्क्रीन बहुत छोटा है और बहुत डिम है, मतलब आउटडोर यूजबिलिटी एकदम यूजलेस है। तो ये इसका थोड़ा सा मतलब यूजबिलिटी में आपको फ़र्क पड़ेगा, तो आपको लोग कहेंगे कि या तो एक बड़ा मॉनिटर खरीद लो या बिना टच स्क्रीन वाला ले लो और ऑटो फोकस भूल जाओ, तो आपको वो समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिए कैनन के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम, कैनन पिछले कई साल से मतलब कई साल मतलब कई 5-6 साल से खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कैनन ने जितना बड़ा कंपनी बन गया उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए, वो नहीं कमा पा रहा है, और कैनन के खुद CEO आके बोल रहे हैं कि मतलब उनका मार्केट सेल 50% पर ईयर ड्रॉप होए जा रहा है। तो आप समझिए अगर कैनन जितनी बड़ी कंपनी है तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप $1 million प्रॉफिट बनाएं या 2 million प्रॉफिट बनाएं। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो प्रॉफिट जो है उनको बढ़ाते जाना है, नहीं बढ़ा पाएंगे तो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट आपको कोई पैसा इसलिए नहीं देता कि आप पैसा बना रहे हो, आपको पैसा बढ़ा के देना होता है। तो इसी कारण से कैनन बहुत सारा बटा लिया, अपना प्रोडक्ट्स को बांटने लगा कि मतलब मैं ऑप्टिक्स के डिवीजन में चल जाऊंगा, मैं प्रिंटर के डिवीजन में जाऊँगा, वो बांट रहा है अपना रिसोर्सेज को बांटे जा रहा है, और कैमरा डिवीजन इसका बहुत लॉस वाला हो गया है। तो
प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें से लॉस होने का एक तो होता है कि मार्केट ही ठंडा हो गया, क्योंकि अब बहुत लोग कैमरा का मोबाइल से ही खुश हो जा रहे हैं, मतलब जो मोबाइल में आपका कैमरा है वो काफ़ी अच्छा हो गया और AI के चलते तो एकदम मतलब देखने में एक नज़र में तो बहुत अच्छा लग जाता है, तो ठीक है तो लोग खरीदना ही कम कर दिया है और फिर सोनी अब लपेट रहा है, तो इसी कारण से वो लोग अब मतलब ये नहीं हटा। और दूसरा गलती जो इनके तरफ से हुआ, एक तो होता है मार्केट अप डाउन होता रहता है, ये जो इनका गलती है ये हर चीज़ का 100 प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि ये है कैनन C300, तो आप बोलोगे कि हर मामले में ये बेटर होना चाहिए, नहीं, ये C300 पहले आया था और ये कैनन C200 बाद में आया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये इसको भी बेचना चाहते हैं और 200 को भी बेचना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती को उसमें लिमिट कर दिया गया कि मतलब कुछ मामले में ये ख़राब है जबकि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये हर मामले में बेटर है, तो लोग आपको सीधे बोलता कि देखिए अपना पैसा है तो मतलब 300 खरीद लीजिए, नहीं है तो 200 खरीद लीजिए, ऐसा नहीं है, 200 में कुछ फीचर है जो इसमें नहीं है जबकि ये हाई एंड का है, और लेकिन आप इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें टाइम कोड का इनपुट मिल जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए ज़रूरी है, 10 बिट का दे देता है, तो मतलब ये अजीब गरीब जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुद के अंदर, मतलब इनका प्रोडक्ट लाइन सिंपल नहीं है। और एक C500 भी आया था जो कि फुल HD ही तक था क्योंकि बहुत पहले लॉन्च कर दिए थे, तो इनका पाइपलाइन ऐसा है C500 फिर नहीं बीच में कुछ डाल दो C300 फिर आया कि नहीं C100 का Mark 2 उतारो फिर आया कि नहीं C200 उतारो, तो समझ रहे टाइम लाइन आप देखिएगा एकदम फजीयत वाला है। तो इसी कारण से ये लोग मतलब ऐसा नहीं बनाते कि ठीक है ये है इस दाम पे इससे बेटर हम कुछ नहीं देते, नहीं इससे थोड़ा सा दाएं बाएं जाएंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब समझ रहे इनका खुद का पाइपलाइन से ही इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। और ये अगर आपको दिक्कत थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा कुछ जरूरत ज़्यादा बढ़ा है, तो ये C700 है, ये है कैनन का प्रॉपर सिनेमा कैमरा, मतलब अगर आपको सिनेमा शूट करने चाहते हैं मतलब हाई बजट मतलब अवतार और ये सब लेवल का तो ये इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जनरली ये बिका नहीं क्योंकि मतलब ये सब को तो इतना महंगा है, इसको रॉ आरी मतलब ये ब्लैक मैजिक ये सब अच्छे से हटा दिया इसको मार्केट से, तो समझिए कि कैनन मतलब जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना रहा है, हम 10 गो प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब क्यों C300 और C200 मतलब 400 बना देते हैं, वो स्लॉट खाली था, तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा अजीब गरीब चीज़ आपको लिमिटिंग लगेगा। जैसे मतलब टाइम कोड तो आपको सबसे ज़्यादा फजियत करेगा और खूब सारा लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लिमिटेड कोडेक्स यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाता है, फिर ये स्मॉल और डिम डिस्प्ले रियल वर्ल्ड में आपको बाहर इस्तेमाल करना है तो फजीयत बढ़ जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मतलब कैनन चाह के भी नहीं देना चाहता है कि नहीं हम दे देते टाइम कोड, हम दे देते हैं एक अच्छा सा डिस्प्ले, या जैसे इसमें देखिए कि 2 C fast है उसमें 1 C fast है, तो 1 C fast होने का साइड इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए आप बैकअप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप रॉ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, SD कार्ड में 2 backup कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोई गाना है या कोई एक्टर या एक्ट्रेस है जो बहुत महंगा है जिसको आप नहीं अफोर्ड कर सकते दोबारा डबल शूटिंग कराना, तो वो सब के मामले में लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं डबल करते हैं, तो ये रॉ रिकॉर्डिंग देगा नहीं, एक ड्रॉ रिकॉर्डिंग के लिए C fast लगाना पड़ेगा और C fast सिर्फ एक है, तो अब समझिए एक पॉइंट पर आपका डेटा जा रहा है, तो इसी कारण से ये सब चीज़ जो है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंदर से कंपनी के अंदर से, बाहर से नहीं बात कर रहा हूँ, कंपनी के अंदर से ये काफ़ी बुरी तरह से लटक गया है। मतलब अगर इसमें टाइम कोड रहता और कोडेक्स का ऑप्शन जो कि ज़बरदस्ती का, जो सब लोग बोलते हैं कि नहीं प्रोसेसर पावरफुल नहीं है, तुम रॉ रिकॉर्डिंग 12 bit पे हो रहा है और वो रॉ रिकॉर्डिंग 1:1 नहीं है, वो 1:3 है, यानी कि उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो 10 bit ना बना पाना वो जस्ट उसको बैन किया गया था ताकि ये कैमरा बिक सके, तो समझ लीजिए कि मतलब, और जबकि ये पुराना है मतलब इसको ख़त्म नहीं किए कि मतलब ठीक है हो गया तुम्हारा अच्छा था, जो लोग उस टाइम खरीदे थे खुश हैं उनके साथ अब आगे बढ़ो अब नया कर, नहीं हम बीच में उतारेंगे कुछ, तो इसी कारण से ये कैनन को रिकमेंड करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या ये अच्छा कैमरा है, हाँ बहुत अच्छा है, क्या इससे बेटर हो सकता था कैनन बना सकता था, टाइम कोड ना देना समझिए उनको नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया, तो ये सब समझिए छोटा छोटा चीज़ है जो आपको परेशान करेगा। क्या यूट्यूब के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर आप 8 bit से खुश हैं, अगर आप थोड़ा कलर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो लोग कहेंगे 10 bit लो या तो 12 bit का रॉ लो, 10 bit ये देता नहीं है 12 bit का को रॉ लेना पड़ेगा। थैंकफुली मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि वो C fast से SD कार्ड में SD बोल रहा हूँ C fast से SSD में कैसे बदला जा सकता है ताकि एटलीस्ट वो आपका कम दाम में हो जाए। तो इसीलिए समझिए कि क्या ये कैमरा परफेक्शन के बहुत नज़दीक आ गया लेकिन अपने ही कंपनी का लाइनअप से लटक गया क्योंकि इनका C700 उतना नहीं चल रहा है। आप आखिरी बार कब सुने थे कि कैनन कैमरा में पिक्चर शूट हुआ था, जबकि C700 मतलब कुछ साल पहले अगर आप बोलते 30 साल पहले बोलते कि कैनन को रेड जैसा कोई कंपनी जो बस कहीं से आया और मतलब एक गैराज में काम कर रहा है मतलब एक वेयर हाउस में काम कर रहा है वो हटा देगा तो आप लोग हंसते। आरी कहाँ से जिसको फिल्म के सिवा कुछ आता नहीं था वो कहाँ से हटा दिया, लेकिन हो गया कैनन मतलब मार्केट भी लूज़ किया प्लस ज़बरदस्ती का खूब सारा प्रोडक्ट बना रहा है और इसका आप धीरे धीरे बाकी सब कंपनी लूट रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छा है आपके लिए, अच्छा है 90% केस में आपके लिए अच्छा है, लेकिन वही कि अगर आपको सिनेमा करना है मैं कहूँगा कि भाई सिनेमा में तो बिना आउट ऑफ फोकस के ही करना होता है तो ब्लैक मैजिक ले लीजिए, उसके मामले में तो कंपेयर ही नहीं करना है, या आपको रन एंड गन करना है कोई दूसरा ही ले लीजिए, ये मतलब बहुत महंगा 6-7 लाख रुपये के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है।
खासकर डिस्प्ले, मतलब ठीक है चलो तुम कोडेक्स नहीं दे रहे हो ताकि मेरा ये बच जाए, तुम नहीं दे रहे हो ठीक है, अरे डिस्प्ले तो दे दो, इस्तेमाल तो करने लायक छोड़ो। तो इसीलिए समझिए, या ऐसा मत आंख मूंद करके मत खरीदिए, कुछ कुछ चीज़ में बहुत अच्छा है लेकिन सोच समझ के, या सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एक उसको रेंट पे ले लीजिए ताकि आपको एक्चुअली पता चल जाए कैसा होता है इस्तेमाल करना। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन C200 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया नहीं अच्छा लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक बटन दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।